इस वक्त जी मैं खड़ा हुआ हूँ खानपुर, तहसील खानपुर, ज़िला रहीम यार खान, पंजाब पाकिस्तान। ये खानपुर रहीम यार खान की तहसील है और रहीम यार खान पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है सिंध की तरफ, आगे सिंध शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे भाइयों की जो डिमांड थी कि किसी हिंदू फैमिली का या किसी हिंदू भाई का इंटरव्यू किया जाए, तो ये यहाँ पे मुझे मिले हैं एक भाई। वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज हैं रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे हिंदू हैं, यहाँ पे मंदिर भी हैं और एक मंदिर की मैंने वीडियो भी दिखाई थी एक दो की। एक मंदिर अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने भी बनवा के दिया है, कुछ हिंदू फैमिलीज थी मेघवाल बिरादरी की, तो उनको मैंने वो वीडियो दिखाई थी जो कि गवर्नमेंट ने अपना ग्रांट से बना के दिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। तो इसके अलावा ये जो एक और हैं इनकी, वैसे तो ये देखिए बैठे हैं, लैब बनाई हुई है इन्होंने, तो यहाँ पे मैं जाके इनसे मिलता हूँ, बातचीत करते हैं इनसे। ये जी मैं आ गया हूँ, ये दीना राम साहब हैं। और सर क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक भाई, शुक्र है। और घर बार बच्चे सब ठीक हैं? ठीक है, खैरियत है सब। चलो जी, मामू मेरे आए थे, इन्होंने आपका बताया, फिर जी, 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 तो आपकी पार्टी के भी हैं मामू और आप दोनों एक ही पार्टी के हो गए हो। तो मामू ने कहा जी दीना भाई वो तो हमारी पार्टी के हैं, उनके साथ चलते हैं, कोई मसला नहीं, उनके साथ तो हमारी गपशप है। तो मैं कहा चलो ठीक है जी, पूछते हैं। अच्छा, मकसद मेरा ये है कि इंटरव्यूज तो काफ़ी किए आपके फैमिली के भी, किए मेघवाल फैमिली के भी, तो बस इस बार ना मामू ने कहा जी हमारी पार्टी के, अपने उनसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि खानपुर या रहीम यार खान भी लगा लें, इसमें हिंदू फैमिलीज कितनी हैं? इसमें तकरीबन जो है ना वो मेरे ख्याल में पूरे ज़िले में जो है ना लाख के करीब वार्ड है, लाख से भी ऊपर हो जाएगा, बल्कि ज़िला रहीम यार खान, रहीम यार खान में जो हमारा हिंदू फैमिली का वार्ड है यहाँ, ठीक ठीक, अकलियती हिंदू अकलियती, जी जी जी, तकरीबन लाख से ऊपर वोट है। तो उनमें खानपुर में भी काफी तादाद में है, में कम से कम 15,000 वोट है खानपुर तहसील में, खानपुर तहसील में, खानपुर तहसील में। तो अच्छी बड़ी तादाद है, बहुत तादाद। ये तो अगर एक हलके में हो तो एमपी भी बन के लिए फैसला के, हमारे यानी कि एक हल्के में जो है जैसे एमएनए का हल्का है जी जी, उसमें कम से कम हमारे यहाँ खानपुर का जो है 15,000 वोट है एमएनए के हल्के में। तो कौन कौन सी फैमिलीज हैं, यानी जैसा आपका कास्ट सिस्टम है? हमारे यहाँ पे मेघवाल फैमिली ज्यादा है सबसे ज्यादा, उसके बाद भील बिरादरी है। अच्छा, भील भी है, भील बिरादरी भी है, यहाँ रहती है, वो बाहर देहातों में है, शहर में नहीं है, शहर में मेघवाल ज्यादा, शहर में मेघवाल है यहाँ पे, बाकी देहातों में भी हमारे मेघवाल बैठे हुए हैं, हर देहात में, बस्ती में, गाँव में रहते हैं यहाँ लोग। अच्छा, मेघवाल काफी, मैंने पता कि मेघवाल काफी बड़ी ज्यादा बड़ी बिरादरी है, मेघवाल यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, इस इलाके में हमारे में। अच्छा, तो यहाँ पे जो है सिचुएशन तालीमी लिहाज से जो है मेघवाल या बाकी कुल हम हिंदू सारे बरादरी के लगा लें, क्या स्टेटस है उनका तालीम एजुकेशन में, किस तरह है तालीम? अब बेहतर है यहाँ पे पहले की निस्बत, पहले कुछ कम थी तालीम, अब यहाँ पे बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं हम, अपनी लड़कियों को भी, लड़के भी सारे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी लोग जो है ना वो मुलाजमत में भी आ गए हैं, कोई टीचर हैं और बाकी कुछ वापडा में है, कुछ अदालत में है, हर महकमे में, पोस्ट ऑफिस में भी है, हर महकमे में, किसी न किसी महकमे में है, महकमे में अभी जॉब्स कर रहे हैं बंदे हमारे। अब तालीम पहले की नस्बत ज़्यादा होगी हमारे, तकरीबन तमाम बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, और जैसे ही वो यानी कि बच्चे हमारे पढ़ते हैं, तालीम हासिल कर लेते हैं, फिर उनकी जॉब्स वगैरह भी हो जाती हैं और अच्छा यानी कि सिलसिला चल रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। हाँ, बिजनेस में भी ठीक है? हाँ, बिजनेस माशाल्लाह ठीक है, हमारे कपड़े के कारोबार हैं, दुकानें हैं, बाकी जनरल स्टोर वगैरह जैसे हो गए, ये मेरी शॉप्स होगी फोटो की, बिजनेस भी, बिजनेस के लिहाज से भी हमारे अच्छे हैं बंदे यहाँ पे। अच्छा, देहातों में तो अपना ज़राअत से होंगे ज़्यादा? देहातों में ज़्यादा लोग हमारे ज़राअत से मुंसलिक हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, बस ये ज़्यादा उनका काम है ज़राअत देहातों में, बाकी कारोबार बिजनेस वगैरह भी हैं, जैसे उन और हो गया कोई दर्जी का शॉप्स खोल ली इसने, बना ली, किसी ने किराने की दुकान खोल ली, इस तरीके जो कम पढ़े लिखे हैं अपना बिजनेस कर लिया, बिजनेस करते हैं, बाकी कोई खेती बाड़ी करते हैं, और काफी बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं, बल्कि एक बच्चा हमारा अब सब इंस्पेक्टर लगाया है। अच्छा, ये अपना सब इंस्पेक्टर खानपुर में ही? खानपुर में, अभी उसकी ड्यूटी तो बाहर है, वो है खानपुर का, हमारा है खानपुर का, खानपुर का, बड़ी जी अच्छी बात है, बड़ा उसने तो बड़ा तालीम हमारी अब ज्यादा यहाँ पे चल रही है, तमाम जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं हाँ, तालीम याफ्ता है ज्यादा, ठीक। अच्छा, तो आपके पड़ोस में जहरी बात है कि
हिंदू फैमिलीज़ के अलावा मुसलमान भी बैठे होंगे, तो किसी किस्म की आपको जो होता है आम रूटीन में कोई? ईसाई कास्ट भी बैठी, अच्छा क्रिश्चियन भी हैं? क्रिश्चियन कास्ट भी बैठी, अच्छा यानी खानपुर में क्रिश्चियन भी काफ़ी हैं? क्रिश्चियन कास्ट भी बहुत है और वो भी जॉबलेस नहीं है। शहर में जो है ना तकरीबन क्रिश्चियन का जो है कोई 400 से 500 वार्ड है शहर शहर में, बाहर देहातों में नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन होंगे शहर शहर में, क्रिश्चियन बाहर शहर होंगे भी नहीं मेरा हाँ ख्याल है। देहातों में नहीं होते, शहर में ही है। और उनके जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुलाजिम बल्दिया मुलाजिम हैं, कुछ ज़्यादा अक्सर बल्दिया मुलाजिम हैं, ड्यूटी वगैरह ये जो है ना उनकी मुलाजिम बल्दिया में है यानी गवर्नमेंट की। कुछ जो प्राइवेट भी करते हैं, तालीम वगैरह भी है उनमें, बड़ा ठीक है वो, यानी कि नहीं, लोग क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन। हैं वो बेसिकली तौर पे यहीं के रहने वाले हैं, क्योंकि क्रिश्चियन तो ज़्यादा पंजाबी स्पीकिंग हैं, हाँ हाँ पंजाबी पंजाबी तो स्पीकिंग यहाँ की है। तो ज़ुबान पंजाबी नहीं है, वो बाहर के तो नहीं है कहीं के आए हुए? नहीं, वो ये बेसिक यहीं के हैं। मेरी कई क्रिश्चियन फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी है, उनसे गपशप भी है। नहीं, मेरा ख्याल है इंग्लिश पीरियड में इधर आ गए होंगे बाहर से। जब के आए हुए वो इंग्लिश पीरियड पाकिस्तान से पहले के ही पहले के जब अंग्रेजों के दौर के, अंग्रेजों का दौर था जब के आए हुए, हाँ होंगे वो और साइड के, हाँ उस दौर में आए हुए हैं, उससे पहले के नहीं थे यहाँ पे, अंग्रेज दौर में तकसीम में इनसे पहले के मौजूद हैं, तकसीम में इनसे पहले हैं लेकिन लेकिन अंग्रेज दौर में, अंग्रेज दौर में आए हाँ हैं, अंग्रेज दौर क्योंकि वो है स्टैंडर्ड पंजाबी बोलते हैं, जैसे हाँ लाहौर की अपने इलाके बिल्कुल, की जुबान नहीं बोलते वो। हाँ नहीं, पंजाबी बोलते हैं यही है बिल्कुल, अच्छा यानी बेसिक जो नॉन मुस्लिम्स में हिंदू मेजोरिटी है, हिंदू क्रिश्चियन थोड़े हैं। मेजोरिटी यार है। मेरे कई कलीग्स जो है ना क्रिश्चियन फैमिली के, वो आर्मी में भी हैं और महकमा सेहत में भी हैं, ये जई मियार खान का जो हॉस्पिटल है अबूजैबी हॉस्पिटल, ठीक, इसके अंदर भी जॉब है, खानपुर के हॉस्पिटल में भी जॉब है इन लोगों की, ठीक। हॉस्पिटल में ज़्यादा है, नर्सें वगैरह महकमा सेहत में ये लोग ज़्यादा होते हैं, सेहत और बल्दिया में ज़्यादा इनकी बल्दिया में महकमा सेहत में नर्सें वगैरह इनकी हैं, नर्सें ज़्यादा वगैरह ये हैं, हाँ बल्दिया में भी इनकी मुलाजमत है काफ़ी लोग, लेकिन जो सिंध में तो डॉक्टर हिंदू डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा है। हाँ सिंध में, सिंध मैं जिस वक्त पीरकोट जाऊँ हूँ तो अक्सर मैं अपना इलाज वहाँ हिंदू सिंध डॉक्टर तो बहुत कराऊँ, अक्सरियत है ना और हिंदुओं की सिंध में, तो वहाँ तो डॉक्टर डॉक्टर बहुत ज़्यादा है, वकील और वो अपना जमींदार ये जो ताजर नहीं जमींदार भी, वो फैक्ट्रियाँ पार्क वगैरह के मीरपुर मैं गया था उस तरफ भी, कॉटन सागर की तरफ तो फैक्ट्रियाँ भी जमींदार भी हैं बहुत उनकी, हैं यहाँ पे कॉटन फैक्ट्रियाँ भी हैं वहाँ पे, मिलें भी हैं, और वो यानी कि सिंध में बहुत ज़्यादा है, वो असल में बिजनेसमैन है शुरू से ही, बिजनेसमैन है जमींदार हैं, वहाँ बिजनेसमैन आबादी भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, वैसे भी वो शुरू से ही पावरफुल लोग हैं और कमिटमेंट के भी बेहतर हैं, कमिटमेंट तो जो बिजनेसमैन है ना कमिटमेंट के जो, बेहतर है, हाँ काफी बेहतर है, अपने पेशे के खिलाफ नहीं जाते, बेहतरीन काम करें, यही बात है मामू, जो लोग है ना बिजनेसमैन होगा ना और बिजनेस सबसे अच्छी की बेस बात ये यह है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं बहुत अरसा इनमें रहूँगा, जाऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा मिलूँ, मेरे कोलिग्स बन रहे हैं, अच्छा तो मोहब्बे वतन जो है ना ज़्यादा है बेसिकली, हम जो पढ़े लिखे हैं ना उनमें एजुकेशन लेवल वो बड़ा हाई समझे है, हैं उनमें बाशऊर लोग हैं, बड़े वीआईपी वो है ना बेसिकली तौर लोग पे, हैं, बनिया क्या कहते हैं ना वहाँ, हाँ वो बनिया कहते हैं बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन में बहुत आगे हैं, एजुकेशन जिसके अंदर है ना जहनी तौर पे है ना काफी एडवांस, सारे पढ़े लिखे पढ़े लिखे हैं बिल्कुल उसमें। मैंने खुद यहाँ पे ग्रेजुएशन की हुई है, बीए बीएड मेरी तालीम है, अच्छा जब हाँ जबरदस्त, सारे जितने भी भाई हैं सारे पढ़े लिखे हुए हैं और बच्चे भी हमारे पढ़ रहे हैं, बच्चियां भी पढ़ रही हैं, ठीक यहाँ हमारा तालीम ठीक है, बेहतर में आ रही है तालीम का भी और तमाम बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा तालीमी तो आपने बड़ा अच्छा हौसला अफजा बताया, बड़ी अच्छी सिचुएशन है आपकी, इतने ज़्यादा वोट हैं आजकल आपको, तो जो मॉडर्न ज़माना है इसके अंदर वोट की बड़ी इंपॉर्टेंस अहमियत है, तो सियासत में भी आपके कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व, जैसे आपका तो मामू ने बताया कि पीपल्स पार्टी के साथ आपका वो है, तो इस तरह अब सियासत में हमारे यहाँ काउंसलर भी बनते हैं, जिला काउंसिल के मेंबर भी होते हैं, एमपीए भी होते हैं, एमपीए भी यानी कि रह गए मेरे चाचा यहाँ बख्शाराम, अच्छा, एमपीए भी रह गए हैं, मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली, मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली वो रह गए हैं, उसके बाद हमारे यहाँ एक फिरोजा से भी बने थे एमपीए, अब अपना सादकाबाद से भी एक बना था एमपीए, क्या नाम उनका, कांजी राम, वो पिछले टर्म में बना था एमपीए था जी जी, तो एमपीए भी हमारे बनते रहते हैं, जिला काउंसिल के मेंबर भी, टाउन कमेटियों के हो गए, यूनियन काउंसिल के, यूनियन काउंसिलों के, नहीं हर लेवल पे हैं, हर लेवल पे हैं हमारे, सियासत में हमारा जो है ना, मैं खुद पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना अकलीति विंग का सिटी सदर हूँ, अच्छा खानपुर के, खानपुर में ठीक, मिनार्टी विंग का सिटी सदर हूँ, ठीक जबरदस्त, तो बहुत अच्छी, बाकी हमारे यहाँ तहसील सदर भी है
पाकिस्तान पीपल पार्टी का, नून लीग के भी अपना है अहदेदार हमारा, यानी हर पार्टी में एक्टिव है, पार्टी में हमारी जो है ना वो एक्टिव है, एक्टिव हैं लोग, नुमाइंदगी है हमारी। ठीक 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 अच्छा, इसके अंदर कोई रिजर्वेशन भी है आप लोगों की, मखसूस सीटें कोटा कोई? हाँ, इसमें हमारी मिनार्टी की मखसूस सीटें होती हैं। अच्छा, उसके हवाले से जो है ना वो हमारी सीटें निकलती हैं, मखसूस सीटें। मखसूस सीटें तो लाजमी आप ही बनोगे, और कोई नहीं उस पर हो सकता? और कोई नहीं होता, वो सिर्फ मिनार्टी के लोग ही उस पर जो है ना इलेक्ट होंगे वो। ठीक, इसलिए वो उन्होंने मखसूस सीटें बनाई हुई हैं और उसमें हमारे मिनार्टी के लोग। अच्छा, जनरल सीट पे भी लड़ सकते हैं वैसे? जनरल सीट चाहे पे तो भी लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, उसमें यानी कि डबल वोट होता है हमारा। हम जनरल सीट पे भी लड़ सकते हैं, लेकिन जनरल सीट पे हमारी आबादी कम है, बिखरे हुए हैं। हाँ, बिखरे हुए हैं, या फिर वो इतनी अक्सरियत नहीं है हम जीतने की पोजीशन में हो, इसलिए फिर हम जो है ना उसी पे कोशिश करते हैं जो रिजर्व है या कोटा है। रिजर्व, उस पे रिजर्व सीट पे, रिजर्व सीट पे, मखसूस कोटे वाली सीट पे। ठीक है। अच्छा, आजकल पिछले कुछ दिनों से या शुरू से भी होगा शायद, सिंध में कुछ मसाइल जो है ना, जो हिंदू फैम है तो वैसे तो मुसलमान गरीब लोग हैं इन मुल्क में, होता ही है ये तो हमेशा का असूल है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हिंदुओं के साथ भी प्रॉब्लम्स आए। इवन ये भी केस आया कि सुना गया कोई लड़कियों के साथ जबरन उन्होंने या जबरन की या वैसे जो भी था इस तरह, कोई इधर तो नहीं इस तरह का कोई मामला हुआ? नहीं, यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, यहाँ पे माहौल ठीक है, अमन है, तमाम लोग जो है ना वो हमारा साथ देते हैं, दुख सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, और इस तरह का कोई हमारे साथ बर्ताव इधर नहीं है, गलत नहीं है, अच्छा बर्ताव है हमारे साथ, हमारे साथ दुख सुख में उन्हें आना जाना, इकट्ठे खुशी गमी में एक दूसरे के, हमारे जितने भी हमारे मोहल्लेदार हैं, शहरदार हैं, हमें एक दूसरे के दुख सुख आना जाना, आना जाना होता है, शादियों में भी जाते हैं, दुख सुख में भी जाते हैं, हर फंक्शन में इनके साथ हम जाते हैं, वो भी आते हैं हमारे घर फंक्शन में, जैसे हमारी होली दिवाली होगी, त्यौहार हो गए, सारे लोग आते हैं हमारे घर। तो इस तरह एक दूसरे के साथ हम मोहब्बत से रह रहे हैं, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। ये जो जान पहचान के हैं दोस्तों, उनके साथ आना जाना है, आना जाना है, वो आते जाते हैं हमारे साथ, खुशी गमी में शादियों में हम भी चले जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, इस तरीके से यानी कि आना जाना है, ताल्लुक है, और ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है फिलहाल। ठीक ठीक। काफ़ी मेरे जो है ना कलीग्स आई थिंक के भी जो, मेरा ख्याल जल्द ही होली का त्यौहार आने लग रहा है, तो उसमें शिरकत करें काफ़ी लोग, वैसे लोग सोचते चलो जी शिरकत कर लें, जामे भी हैं, फिर शादी खुशी में जो गीत गाए जामे खुशी के, हाँ वो होली पे चले जाना, चलो जी एक वो तो हमारे अपने तो काफ़ी हैं, होली के दिनों में एक दूसरे पर रंग फेंकने, वैसे जो पड़ोस में चलो शिरकत तो चलो भी ठीक है जी। होली एक खुशी का त्यौहार है, हाँ उसके ऊपर बाकी लोग बिल्कुल वो करना चाहिए, भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो इंसान तक खुश रहने के वो सिखा हुआ है, वो भी इंसान ने खुशी का इजहार बतावा है, गालिबन ये मौसम है बहार की, जिस तरह आमद हुआ इंसान थोड़ा ताज़ा हो जाए तो वो खुशी का एक इजहार करे। होली अब आने वाला होली का त्यौहार, हाँ बस कमिंग आने वाला, जल्दी आ रहा है, मार्च में होता है। अच्छा, मार्च में होता है, ये मार्च से है या देसी महीनों से है? नहीं, होता देसी महीनों से। किस तारीख को ये? वो फागुन में होता है, फागुन में, फागुन भरा भाई बिरदादी बताती, हमारे वाले करते थे फाग खेलते थे, उसी को कहते हैं मेरे ख्याल में, मेहमान आते थे उनके साथ वो मिठाई वगैरह लेते थे, वो ठीक आ गया मैं समझ गया हूँ, मेरी दादी बताती हैं कि हिंदुस्तान में होता है, इधर तो नहीं है, दादी बताती कहते हम ना इंडिया में फाग खेते, उसको कहते थे फाग, वो हाँ मैं समझ गया, वही बस समझ, वही रिलेटेड है दोनों एक दूसरे के साथ मेरे ख्याल, वही फाग और होली के सेम ही दिन होंगे मेरे ख्याल। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, और यहाँ पे जो मेघवाल के अलावा आप लोग ही मेरे ख्याल ज़्यादा सियासत में उसमें एक्टिव ज़्यादा हैं, तो जो दूसरे हैं आपके जो फैमिली, भील भील बिरादरी भी है यहाँ रहती है, और उनके भी हैं कुछ बंदे, उनके जिला काउंसिल के मेंबर भी बने। अच्छा, उनके भी बने हैं? उनके भी बने, दो मेंबर बने थे उनके, एक खानपुर का था, एक रहीमिया खान था पिछले टर्म में, काउंसलर वगैरह भी होते हैं, वो लोग भी एक्टिव हैं सियासत में, हाँ वो भी चल रहे हैं। आप लोग भी साथ के मिल के चलते होंगे वो भी? हाँ मिल के चलते हैं इकट्ठे, क्योंकि ये तो फैसला आप लोगों ने करना है बैठ के, किस बंदे को इस बार खड़ा करना है उम्मीदवार कैंडिडेट, तो उसके मुताबिक ही फिर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो मिलजुल के सारे फैसले करते हैं जो कैंडिडेट खड़े करते हैं। एक कृष्ण भील भी काफी टाइम पहले बने हुए थे मेरे ख्याल, भावलपुर के थे वो तो शायद। हाँ कृष्ण भील, वो एक था वो अपना
लाला मेहरलाल भील, वो भी एमपी रह गए। हाँ वो रहे, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एमपी रह गए। मैं छोटा सा पढ़ा करता था अखबार में उनकी, जब आया करते थे। वो एमपी रह चुके हैं। आपकी जो ये है हिंदू काउंसिल के सरबराह हैं वो अब मेरे ख्याल जैकबाबाद से हैं, कंधकोट से, रमेश कुमार आपका भी वो सिंध से है ना? अच्छा अच्छा, आपका अलग सिस्टम उनसे नहीं है तो वो सेम कट्ठे ही है, क्योंकि हिंदू काउंसिल तो आल पाकिस्तान, मैं वही कहता हूँ, तो आल पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है ना, हिंदू काउंसिल है तो वो हमारे ही भी उनसे ताल्लुक है। लेकिन वो हैं सिंध के, वो हैं सिंध के, सिंध के हैं। और एमएनए इस वक्त हुकुमरान जमात पीटीआई के एमएनए, पीटीआई के एमएनए, पीटीआई ने, उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया था और पीटीआई के प्लेटफार्म से वो एमएनए मौजूदा टाइम में, और मेरा ख्याल है इसी दौर में वो हिंदू काउंसिल के चेयरमैन। नहीं नहीं, हिंदू काउंसिल के चेयरमैन तो पहले भी थे मेरे ख्याल, ऐसे ही है। हाँ पहले भी थे, अब इस मरतबा वो एमएनए पीटीआई हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो सिंध से जनरल सीट पे भी हैं, सेनेटर भी हैं, एमपीए भी हैं, एमएनए भी हैं, जनरल सीट पे भी इलेक्शन लड़ते हैं, आबादी ज्यादा है, मीरपुर खास से, उमरकोट से, वहाँ आबादी ज्यादा है, तो वहाँ पे जनरल सीट पे भी है। बाद हल्के में इस तरह भी है कि 60% हिंदू है, 40% वहाँ पे, फिर वो वहाँ 50% भी कहीं कहीं पे है इस तरीके, फिर वहाँ पे वो जनरल इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, एक और है कि जो ये हमारा जो चैनल है इसके देखने वाले सभी लोग हैं, कुछ बहुत सारे हमारे इंडियन भाई भी हैं जो बहुत सारे हमारा ये बातें देखते हैं, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे जो इंडिया पाकिस्तान के लोगों को या गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कोई? मेरा पैगाम तो सबके लिए है, तमाम इंसानों के लिए, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, पूरी दुनिया के लिए, ये है कि अमन से रहें और अमन से रहने दें। बस अमन ही पैगाम है हमारा, अमन से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी, जहन्नम भी, बस अमन से रहेंगे आप, अमन से रहने देंगे तो ये ज़िंदगी जन्नत है आपकी। हाँ जी बिल्कुल, ये है, बस खुशियाँ बांटें सबके साथ, सबके दुख सुख में शामिल हों और इसी तरह खुश रहें और खुशियाँ बांटें, ठीक है, और अमन से रहें। शुक्रिया जनाब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके, और ठीक है, मैसेज आपने बहुत प्यारा दिया है, यही मैसेज है सभी मज़हबों का, सभी चाहे मज़हब है, धर्म, दीन है, उनका यही मैसेज है कि अमन, प्यार, मोहब्बत और खुशी। सबसे बड़ा मज़हब है जी इंसानियत का। हाँ जी बस सभी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, आप तमाम मज़ाहिब को पढ़ लेंगे ना, फाइनल मुद्दा ये है कि इंसान बन के रहो, इंसान बना के भेजा गया आपको, इंसान बन के ज़िंदगी गुजारो बस। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया।